अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कमर रियाज फैसल हिल्स, आपका मेन सिविक सेंटर के बिल्कुल सामने में मौजूद हूँ। और ये जो सामने आपको रोड नज़र आ रहा है, 80 फुट का रोड है, और आपके ये राइट साइड पर सारी जो आपको बेल्ट नज़र आ रही है, ये आपकी हाई राइज साइट है फैसल हिल्स ए ब्लॉक में, मेन कमर्शियल एरिया है। और यूँ अगर आप देखें तो वो सामने आपको मेन सिविक सेंटर नज़र आ रहा होगा, और इसमें अच्छा खासा आपको प्रोजेक्ट्स होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल अगर आप इस तरह से इस व्यू को देखें तो मरगला के दामन में सीनिक व्यू और एक सनफेस, मतलब हर प्लाट आपका तकरीबन सनफेस बनता है, और उस हिसाब से देखें तो ये आर्च का नज़ारा प्लस आपका मरगला व्यू प्लस आपका सनफेस, और मतलब लिटरली ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक खुशगवार माहौल क्रिएट किया जा रहा है ये। बिकॉज चूँकि इसकी अगर आप लोकेशन देखें और कंस्ट्रक्शन का स्टैंडर्ड चेक करें तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये सोसाइटी कहाँ कैसे फॉल करती है और किस स्टैंडर्ड के हिसाब से इस पर डेवलपमेंट चल रही है। लोग अक्सर बातें तो हर तरह की करते हैं, जितना मुँह उतनी वो बातें, और इतनी मतलब सारा सिलसिला चलता ही रहता लोगों का। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो आउट क्लास किस्म के स्टैंडर्ड इसकी डिवेलपमेंट है, और उसके सराउंडिंग में मतलब जो भी एक इनका जो तरीका का आ रहा है सोसाइटी ना तो सबको देती है, मगर उसमें जो रहायशियों के लिए पार्क हो गए प्लस जो ग्रीन बेल्ट हो गई या इसमें जो प्लांटेशन होती है, तो लोग अक्सर इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। चूँकि मेन चीज़ ही आपकी यही चीज़ होती है कि अपने उन जो रिहायशी हैं आपके या रेजिडेंट्स हैं उनको एटलीस्ट आप मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप उनको वो ईच एंड एवरी थिंग जो भी बुनियादी ज़रूरत है ज़िंदगी की आप उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो खूबसूरत व्यू और ये सारी चीज़ें बाई इसमें आपके फैसिलिटीज में मौजूद हैं, हर तरह से आप देख भी सकते हैं। आर्च का व्यू और फिर आपका ये मरगला हिल्स प्लस फिर मरगला हिल्स के दामन में आपकी ये हाई राइज बिल्डिंग्स, आसमानों को छूती हुई बिल्डिंग आप देखेंगे फ्यूचर में कि ये कैसा नज़ारा पेश करेंगी, और यकीनन करेंगे ये। और ये आपकी हाई राइज मेन सारा कमर्शियल है, मेन सिविक सेंटर, अच्छा खासा बड़ा मेन सिविक सेंटर है, और इसमें अभी भी पोटेंशियल है, अच्छा खासा पोटेंशियल है। आप आएँ, आप इसमें प्लाट्स भी अवेलेबल हैं, आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस तरह की, या आप अपना एक डेवलपर्स बनने के लिए खास तौर पर ये एक ज़बरदस्त किस्म का मौका है आप लोगों के पास कि आप प्लाट लें और उस पर कंस्ट्रक्शन करें, फिजिबिलिटी बना के कंस्ट्रक्शन करें, और इसमें से फिर आप अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हैं। रिटर्न के साथ साथ आप अपनी एक वर्थ को भी ऊपर लेके आ सकते हैं, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पूरी टीम होनी चाहिए। चूँकि ये प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, इसको पूरी टीम के अलावा आप किसी भी सूरत में आप इसको रन नहीं कर सकते। प्लाट ले लेंगे, कंस्ट्रक्शन भी कर देंगे, मगर उसको सेल आउट करना अभी आपके बस की बात नहीं है। उसके लिए प्रॉपर टीम, आपकी मार्केटिंग टीम होनी चाहिए, स्टैंडर्ड को फॉलो करके उस पर वर्किंग करे और चीज़ों को वो डिलीवरी तो मेन है ये चीज़। जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे तब तक तो आप उस वाली पैदा नहीं हो सकता कि आप भी कोई भी किसी भी किस्म की कोई चीज़ आप उसको वो निकाल सकें या बेच सकें, क्योंकि लोग ऑन ग्राउंड चीज़ें रियलिटी देखते हैं, क्या रियलिटी है, आया कि है, एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, बस बात ख़त्म। जब आपका नाम बन जाता है तो फिर उस नाम को कोई भी नहीं वो मुकाबला उसका कर सकता और कोई भी रोक नहीं सकता। और ये सामने आपके रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं, इसमें कुछ आपके 7 मरला भी आता है, और ये बीच में आपके कुछ 10 मरले के भी प्लाट्स हैं फैसल हिल्स ए ब्लॉक के, और उसके दामन में जो देखें तो फिर ये आपका जो है हाई राइज साइट है, और देन जो है ना आपका मेन सिविक सेंटर कमर्शियल आपको सामने नजर आ रहा होगा। खूबसूरत सीनिक व्यू, ज़बरदस्त किस्म की व्यू है आज के, प्लस आपके मरगल व्यू के बिल्कुल दामन में हाई राइज बिल्डिंग्स। ये ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, आप आएँ, आप इसमें कंस्ट्रक्शन करें और आप अपना इसमें अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।